चमोली के तपोवन हाइडल प्लांट में फंसे 35 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज पांचवें दिन भी जारी है। 600 लोगों की रेस्क्यू टीम फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है, लेकिन मलबा भरा है, इसकी वजह से परेशानी ज्यादा हो रही है। वहीं बुधवार को 2 और शव बरामद किए गए, जबकि 170 लोगों की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड की इस भीषण आपदा को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन तपोवन पावर प्रोजेक्ट की इस अंधेरी सुरंग में अब तक 30 से 35 जिंदगियों की लौ टिमटिमाती नजर नहीं आई है। 1.5 किलोमीटर लंबी टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जेसीबी मशीन से टनल से मलबा निकाला जा रहा है, ड्रोन से तलाश हो रही है, रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट लगाए गए हैं, स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। करीब 600 लोगों की अनुभवी रेस्क्यू टीम की मौजूदगी में 5 दिन बाद भी उम्मीद जिंदा है। उम्मीद बनी हुई है और NDRF की टीम्स है और SDRF है, ITBP है, ये सब पूरा तैयारी के साथ अपने अपनी जो भी इक्विपमेंट्स उनके साथ है, जैसे जैसे, और सब तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे जैसे खोलेंगे थोड़ा आगे जाके रेकी करेंगे, सर्वे करेंगे, कहाँ हमको क्या मिल सकता है। और एक और चीज़ है, क्योंकि मशीन्स जा रही है, आवाज़ ज़्यादा हो रही है, अगर अंदर लोग हैं तो उनको एक उम्मीद बनेगी। ITBP, NDRF, SDRF और सेना की रेस्क्यू टीम ने 22 से 25 फुट ऊंची सुरंग के भीतर 100 मीटर तक मलबे को हटा लिया है, लेकिन लगातार मलबा और गाद आते रहने से मुश्किलें कम नहीं हो रही। सुरंग के अंदर कैमरा लगे ड्रोन को भी उड़ाने की कोशिश हुई, लेकिन रेस्क्यू टीम को इसमें बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। सबसे ज्यादा दिक्कत यही आ रही है कि उसके अंदर इतना ज्यादा डेब्री भरा हुआ है और वो इतना ज़्यादा शायद कॉम्पैक्ट हो गया था कि अब उसे स्पेस मिल रहा है तो बाहर निकल रहा है, तो बहुत जल्दी, जो शुरू में क्योंकि सॉलिड था तो जल्दी जल्दी निकल गया, तो बहुत लिक्विडी है, बहुत धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस रेट इज़ वेरी स्लो। अब तक त्रासदी के शिकार 34 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, इनमें से 9 की ही शिनाख्त हो पाई है जबकि 25 अज्ञात हैं। 170 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है, इनमें से 20 से 25 वो लोग भी शामिल हैं जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे हैं।